वसुधैव कुटुंबकम भारत और सनातन धर्म की मूल विचारधारा जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। इसी संस्कार को आगे लेकर चलते हुए भारत ने फिर से एक बार ये साबित कर दिया कि उसका दिल कितना बड़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही टेंशन जारी है लेकिन बात जब मानवता की भलाई की आती है तो भारत तमाम करवाहटों और दूरियों को छोड़कर आगे बढ़ता है और अपनी मिसाल साबित करता है। इसकी एक ताजा मिसाल है पाकिस्तान की 19 साल की वो लड़की जिसे भारत आने के बाद नई जिंदगी मिली। भारत ने पाकिस्तान से तमाम विवादों को भूलकर कराची में रहने वाली आयशा की जान बचाई। दरअसल पाकिस्तान में हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा ना होने और पैसे की कमी होने के वजह से दिल्ली के एक डोनर की मदद से आयशा का फ्री में ट्रांसप्लांट किया गया। इसके बाद आयशा और उसकी मां ने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। दरअसल कराची में रहने वाली आयशा रसल की चेन्नई के MGM हेल्थ केयर में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है। हमारी रिसर्च के मुताबिक एक उपयुक्त ब्रेन डेड डोनर उपलब्ध होने के बाद 31 जनवरी 2024 को उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया जिसके बाद इस महीने अस्पताल से उसे रिलीज कर दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट के अध्यक्ष और कार्डिक साइंस निदेशक डॉक्टर AK बालाकृष्णन ने ये सफल सर्जरी की है। डॉक्टर AK बालाकृष्णन ने कहा कि चूंकि ये निजी अस्पताल है इसलिए हमें ट्रस्ट और अन्य माध्यमों से धन जुटाना पड़ा। ये सर्जरी काफी जोखिम वाली थी, परिणाम कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगर ये सर्जरी नहीं होती तो पाकिस्तान की लड़की आयशा जीवित शायद नहीं बच पाती। तो इस तरीके से आयशा पूरी तरीके से स्वस्थ हैं जिसके बाद वो अपने देश लौटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।